तीन नन्हे सुअरों की कहानी। एक जंगल में तीन नन्हे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ और दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सुअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों सुअर काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपने आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। पहले सुअर ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे सुअर को यह बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे सुअर को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे सुअर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सुअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सुअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबतों में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सुअरों को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए। पहले सुअर के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए, वो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरी सुअर ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफ़ी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे सुअर ने काफ़ी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनने में तीसरे सुअर को 7 दिन का समय लग गया। तीसरे सुअर को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों सुअर ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगा कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा सुअर कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों सुअर बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नज़र पड़ी। तीन मोटे सुअर देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले सुअर के घर पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहला सुअर सो रहा था। दरवाजे की खटखटाहट सुन जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज़ सुनकर सुअर समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर पड़ा खड़ा है। वह डर गया और दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, नन्हा सुअर, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक ज़ोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सुअर वहां से किसी तरह
वह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सुअर के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सुअर ने दरवाज़ा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पहले सुअर को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा सुअर हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर ही पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ सुनकर पहला सुअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाज़ा मत खोलना, यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे सुअर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सुअरों, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से भरे घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे सुअर का घर तोड़ दिया। अब दोनों सुअर वहाँ से तेज़ी से भागे और तीसरे सुअर के घर पहुँच कर उसकी सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे सुअर ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वे दोनों सुअर भेड़िए से काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए घर के कोने में जाकर छुप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे सुअर के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो जल्दी से और मुझे अंदर आने दो। तभी तीसरे सुअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िया ने तीसरे सुअर के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे सुअर का ईंट से बना घर नहीं टूटा। लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ को सुनकर पहला और दूसरा सुअर डर गया और रोने लगे। तभी तीसरे सुअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबालने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे सुअर की बुद्धिमानी और निडरता से सुअरों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे सुअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सुअर ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। उसके बाद तीनों सुअर खुशहाली से एक साथ ईंट से बने घर में रहने लगे। कहानी से सीख। तीन छोटे सुअर की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।